हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपने हमें कोट वोट में देखा होगा। मैं बता दूं, ठंड बहुत हो रही है यार इधर की साइड, हमारे दिल्ली साइड, और आज धूप बिल्कुल नहीं है। सुबह से ही एकदम कोहरा है और बहुत ठंड है। तो बेसिकली ठंड तो आज से नहीं है, होती रहती है, लेकिन हम रूम में बनाते हैं तो यहाँ पे कम लगती है, बट आज कुछ ज्यादा ठंड है। एक्चुअली दिसंबर जाने वाला है, एक्चुअली नया साल आने वाला है 2022। आई होप कि यह साल आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, क्योंकि पीछे के एक दो साल हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे, किसी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। हाँ, ये सब बुरे जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं दोस्त मिले, और सब यही सोचते हैं खुशियां नहीं आए। तो 2022 आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस हम अभी बोल देते हैं, बाकी जब वीडियो बनाएंगे फर्स्ट ईयर पे हम बोल देंगे। आपको न्यू चैनल पे व्लॉग आएगा, तो न्यू ईयर पे मे बी हम व्लॉग डाल देंगे उस पे, तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टॉप पे, बिल्कुल न्यू चैनल का आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल दिल्ली साइड हो रखी है बहुत ही ठंड, तो फिलहाल हम आज की वीडियो का टाइटल आपको जल्दी से बता देते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है बेस्ट डायलॉग ऑफ इर्तुगुल गाजी। इर्तुगुल गाजी इर्तुगुल सीरीज से है ये, और बेस्ट सीन से इर्तुगुल के, और ये बेसिकली हमने इनकी लैंग्वेज दूसरी देखी है, तुर्किस लैंग्वेज है आई थिंक, बट ये हिंदी में है। बेस्ट डायलॉग्स ऑफ इर्तुगुल गाजी के हिंदी में है, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। हिंदी और उर्दू दोनों में है ये, उर्दू तो हिंदी होती है, मतलब बेसिकली वो थोड़े से उर्दू वर्ड्स आ जाते हैं, बट आप अगर पाकिस्तान से हो या फिर आप इंडिया से हो, इंडिया से तो बेसिकली हिंदी आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा ये वाला। तो फिलहाल बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, फिर आपसे बातें करते हैं। चलो वैसे बेसिकली जो भी है मैं सर्च कर लूंगा, बट हम वीडियो ले बाबा से बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर नए सरदार के मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जानते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं, क्योंकि पहले तुम कहते थे कि जिरगा आपका और शिकार मेरा, लेकिन जब से तुम हलीमा सुल्तान को वापस लेकर आए हो हलफ से, कुछ बदल से गए हो अर्तुरुल। मैं वही अर्तुरुल हूँ भाई, और ये बात तय है कि सर उठाकर जीने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये समझ लें कि हम दोनों का मकसद एक ही है, इस कबीले के लोगों का मुत्तहिद होना और यहाँ सबका सुकून से रहना। हमारे मकासद कभी एक थे, लेकिन तुम पहाड़ों की हुदूद से बाहर खुश रहते हो और आप हुदूद के अंदर भाई। तुम्हारे फैसलों की वजह से हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत सी जानें गंवाई हैं हमने। बाबा भी अब यही समझते हैं अर्तुरुल। तो फिर ठीक है, ये सोच आपकी है भाई। ये मैदान और ये बर्फ पोश पहाड़ कोई माने नहीं रखते, अगर इरादे बुलंद हो। एक सही निगाह पहचानती है हक, और सच्चा सिपाही अपनी निगाह बुलंद रखता है। अगर इसके बाद भी आप मेरे बारे में कोई शक है तो मैं वाजह, मैं वही पुराना अर्तुरुल जो ना अपने बाबा और ना अपने भाई के सामने खड़ा होगा कभी। अगर मेरे लिए ये शर्मनाक हो कि सरदारी की भीख मांगूं। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो अर्तुरुल। जबान और अक्ल का सही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है भाई। कहना क्या चाहते हो तुम? काई कबीले का सरदार अपनी जबान और अक्ल से सरदारी करता है। मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहता, अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। हालांकि अब वक्त तो नहीं रहा है आपके पास, मगर फिर भी कहूंगा हक और सच को पहचानने की कोशिश करें भाई। हलीमा सुल्तान ये मेन हीरो है, हीरोइन है इसके मेरे हिसाब से। आज जिरगे के बाद बाबा से बात करूंगा, मजीद ताखिर नहीं करूंगा। और बाबा ने अगर वसीयत पर इसरार किया तो फिर मैं तुम्हें और ये गिद्द को लेकर दूर चला जाऊंगा, ये कबीला छोड़कर। आप सोच ले अच्छी तरह अर्तुरुल, कबीला छोड़ने के बाद अगर आप पछताए तो क्या करूंगी मैं? मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा हलीमा? आपसे इस कबीले की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, याद रखिएगा, और आप इस कबीले के मुस्तकबिल के सरदार हैं अर्तुरुल। बाबा का फैसला मान लेना चाहिए आप। ये तुम क्या कह रही हो हलीमा सुल्तान? सच तो आखिर यही है अर्तुरुल, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि डरते हैं जबान खोलने से सब। और तुम्हारा दिल क्या कहता है हलीमा सुल्तान? दिल तो वही कहता है जो आप कह रहे हैं, यहाँ से दूर कहीं और जाकर बस जाएं हम। अगर आप कबीला छोड़ना भी चाहें तो भी कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप काय कबीले की तकदीर हैं और काय कबीला आपकी तकदीर है। मेन तो मेन ही होती है। शुरुआत बमसी ने की थी भाई,
तुम लोग भाई के बारे में उल्टी सीधी बकवास नहीं कर रहे थे क्या? खामोश बंसी, बस सब खैरियत तो है ना अर्तुल? तुम जहाँ होते हो फसाद ही फैलाते हो गुर्दुगलू। गुर्दुगलू, अच्छा। खुद को काबू में रखो और अपनी जबान को लगाम दो अर्तुल। मेरे भाई गुंदोगतु को भड़काया तुमने, बाबा को भी परेशान कर दिया और अब बेताबी है अपने मकसद की कामयाबी के लिए। मुंह के बल गिरो के गुर्दोगलू, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार और जबान अपने काबू में रखो तुम। अगर दोबारा मेरे सिपाहियों को फरगलाने की कोशिश की तो फिर भूल जाऊंगा मैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। वाओ, सुलेमान साहब आज सच सबके सामने आ जाएगा। सब ठीक है ना करबुदक? सब ठीक है, हमने सरदारों की मुट्ठियां गर्म कर दी हैं। अल्लाह ने चाहा तो नया सरदार गुंदुगदू ही होगा इंशाल्लाह। मेरे बहादुर भतीजे, एक बार तुम सरदार मैं आपके इस तावन को कभी फरामोश नहीं करूंगा। जीते रहो मेरे भतीजे। अब तुम्हें मालूम होगा सुलेमान शाह अपने बेटे से शिकस्त खा के कैसा महसूस होता है। ये बरकार है ना। आओ अंदर चलते हैं। तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी बख्शी और हमें अपने करम की दौलत से माला माल किया। कबीले के मौजज़ीन, अल्लाह की रहमत नाजिल हो हजरत मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाह औस खान के दौर से आज तक जितने भी हमारे अजदाद गुजरे हैं उन पर भी सलामती हो, जन्नत में बुलंद मुकाम हो उनका। हमारे शहीदों, आबाओ अजदाद और तमाम बुजुर्गों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। हमारी माएं, हमारी बहनें और हमारे जवान हमेशा सराते मुस्तकीम पर कायम रहे। आमीन। मुझे यकीन है कि आप सब जिरगे की अहमियत जानते हैं। खुदा करे ये जिरगा हमेशा अदल के तहत फैसले करे और अपने फैसलों में आजाद। हम ये यकीन रखते हैं कि हम में से कोई एक दूसरे से बढ़तर नहीं। एक चरवाहा और एक सरदार दोनों बराबर है। हर फर्द जिरगे में अपनी आजादाना राय का हक रखता है। इसलिए नए सरदार के इंतखाब तक मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। मैं भी इंतखाब में उम्मीदवार हूँ। फैसला आपके हाथ में। कबीले वालों, वक्त आ गया है कि हम अपने सरदार का इंतखाब करें। अगर कोई अपने आप को इस काबिल समझता है तो वो सरदार के लिए अपना नाम दे सकता है। कौन आना चाहता है सुलेमान शाह के मुकाबले में, वो सामने आए। सुलेमान शाह के मुकाबले में, सुलेमान का तो नाम फिक्स ही हो रखा है। या अल्लाह, तू अर्तुरुल को अपने सामान में रखना। अर्तुरुल भाई बहुत समझदार है, मैंने इस कबीले में कभी ऐसा दिन नहीं देखा। पता नहीं अब नया सरदार कौन होगा। हैरत है भाई कि तुम नहीं जानती कि कबीले का नया सरदार कौन है। तुम जानती हो क्या? मैं जानती हूँ, इसीलिए तो उससे शादी की है मैंने। हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। नहीं लगता गुंदोगदू ऐसा करेगा। मैं सरदारी का उम्मीदवार नहीं। सुलेमान शाह की मौजूदगी में मैं इस काबिल नहीं समझता खुद को। गुर्दोगलू समझता है कि मैं उसकी चालों से वाकिफ नहीं। वो कबीले का अमन खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। फर्जन, वो तुम्हें अपना आलाईकार बनाए। मेरी सलाह है कि तुम उसकी हर बात मानते चले जाना। आप बेफिक्र रहे, जो आप पहले इनके है बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जबकि मेरा भतीजा कॉल से फिर गया है तो मैं उम्मीदवार हूँ। ये उम्मीदवार कहाँ से मिल जाएगा? तो गाइज ये थी आज की वीडियो बेस्ट डायलॉग्स ऑफ इर्दगुल। बट हमने एक चीज देखी है कि मतलब हिंदी में, हिंदी की इसकी बहुत ही अच्छी यार, बहुत हाँ, बढ़िया है। अच्छा भी लगता है सुनने, अच्छा भी लगता है सुनने में। वो डायलॉग्स बेस्ट थे, बाकी ये नाटक देखने को और ज्यादा मन करता है हिंदी में जब हमने फर्स्ट टाइम देखा है। पीछे रिंग वगैरह बजती है, रिंग टोन लगाते हैं। हाँ, वो तो म्यूजिक अलग से लगाते हैं। वो तो बहुत इसमें इसमें नहीं होता, वो अलग से लगती है। वो मेरे हिसाब से दूसरा है। वो म्यूजिक वाले भी हम करेंगे। एक्चुअली इर्दगुल को बहुत लोगों ने एडिट किया हुआ है अपने अपने सॉन्ग्स डाल के। बिलीवर पे भी है, इंग्लिश सॉन्ग्स भी इसके अंदर ऐड किए हुए हैं और शायरी भी की हुई है और पोइट्री भी, अलामा इकबाल की पोइट्री बहुत सारा, तुले इस्लाम, शिकवा, ये भी इनके अंदर भी बनाए हुए हैं और हमने सब पे रिएक्शन किया हुआ है। आप अगर चैनल को देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। बाकी बहुत ही बेस्ट वे में
ये वाली वीडियो भी बनाई हुई है। मुझे लग रहा है ये ऑफिशियल हिंदी के सीन थे, ऑफिशियल जो हिंदी में डब के हुआ है, हिंदी और उर्दू में। ये तुर्किस सीरियल है तो तुर्किस लैंग्वेज में होगा, बट ऑफिशियल जो है ये बहुत ही बढ़िया उम्दा है। तो हमें बहुत पसंद आया, आप लोग बताइए आपको ये डायलॉग कैसे लगे, और हमें हमारी और जिज्ञासा और बढ़ गई है इस सीरियल को देखने की। बाकी हम रिएक्शन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एपिसोड बहुत बड़े बड़े हैं इनके और बहुत सारे हैं, बट हम ये हैं कि पर्सनल लाइफ में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छी लगे हमें। बाकी आप लोगों को क्लिप्स ज़रूर मिलती रहेगी रेगुलर रिएक्शन की, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप कमेंट भी करें कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए रिएक्शन पे। हाँ, ये भी बता देना, उस पे रिएक्शन करेंगे आप, जरूर कमेंट करना। चैनल मेकिंग ब्लॉगर्स उस पे भी जल्दी, बार बार बोलते हैं कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखो हम उसपे रेगुलर तो बिल्कुल ही एकदम तो नहीं ला पाते हैं, बट उसपे वीडियोस आती जरूर है, तो आप मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।